दिल्ली आईटी अनुदेशक का एक बड़ा अपडेट है। इसमें आउटसोर्सिंग या गेस्ट फैकल्टी की कुछ वैकेंसी आई हुई है। इसमें आज देखेंगे कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, कैसे भरना है, ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ भेजना है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू क्या होगा, सिलेबस क्या है, पूरा डिटेल्स में समझेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस नोटिस में, यह नोटिस जो है 11/10/2023 को आई हुई है और इसमें जो बताया गया है उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका सैलरी क्या है और कौन कौन से जोन में कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, पूरा डिटेल्स में समझेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे जो बताया गया है ये आईटीआई में अनुदेशक भर्ती के संबंध में है और अक्टूबर 2023 से 28 जून 2024 तक के लिए आमंत्रण जो आवेदन है वो आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें अगर सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी की जो थ्योरी क्लासेस है, थ्योरी क्लासेस मतलब शिल्प शिक्षक, ड्राइंग, कार्यशाला गणना, विज्ञान प्रशिक्षक, इनकी जो थ्योरी क्लासेस की सैलरी वो ₹500 पर घंटे की है और प्रयोगात्मक जो है उनका ₹250 पर आवर है और मैक्सिमम जो आपको सैलरी मिलेगी वो 30,000 पर मंथ रहेगी। नीचे एक सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें अगर कोई भी अर्धशास्त्र या तटस्थ सीमा बल से रिटायर या वरिष्ठ सेवामुक्त है तो उसके लिए ये अमाउंट ₹800 और प्रैक्टिकल के लिए ₹400 रहेगा और उनके लिए भी मैक्सिमम ₹30,000 पर मंथ है। देखिए इसमें जो खास बात बताई गई है वह यह है कि इच्छुक उम्मीदवार विभाग की वेबसाइट पर निर्धारित शर्तों को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने से पहले सारे दिशा निर्देशों को भली भांति भर लें और आवेदन जो आपको नीचे एक आवेदन देंगे वह पूर्ण रूप से भरा हुआ और सारे डॉक्यूमेंट आपके सत्यापित होने चाहिए यानी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। और समूह जो क्लस्टर है वो क्लस्टर में जाके जमा कर सकते हैं, वो भी 15 दिन के पश्चात। आप आवेदन विचारणी नहीं होगा यानी जो आपकी डेट दिखाई गई है ऊपर उससे 15 दिन के बाद जो अगर आप आवेदन देते हो तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं दिया जाएगा। और आवेदन जो है वो आप देख लीजिए नीचे क्लस्टर से जाने की सलाह दी जाती है। संबंधित विषय की जानकारी है तो आवेदनकर्ता प्रधानाचार्य क्लस्टर इंचार्ज से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। ये डिटेल है। अब हम बात करते हैं इसमें ट्रेडें कौन कौन सी है और कौन कौन से जो क्लस्टर है वहाँ पे भर्तियां आई हुई है। तो पहले अरब की तरह ही जो कलेक्टर है उसमें ये सारी ट्रेडें हैं, आप नीचे तक देख सकते हैं टोटल 8 ट्रेडें हैं। दूसरा जो पूसा है, पूसा कलेक्टर है, उसके अंतर्गत ये करीब 16 ट्रेडें हैं। नेक्स्ट जो है आपका मयूर विहार, मयूर विहार में आपकी 10 ट्रेडें हैं। इसमें वायरमैन भी है, वायरमैन की वैकेंसी बहुत कम रहती है तो यहाँ पे वायरमैन के साथियों के लिए अच्छा चांस है तो अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो है श्री फोर्ट, यहाँ भी काफी फैशन डिजाइनिंग वगैरह की जो ट्रेडें हैं सारी फूड वगैरह को लेके, ये सारी ट्रेडें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है और इसका फॉर्म कैसा होता है, कैसे फिलअप करना है, इसकी वैकेंसी, सीट का विवरण क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है। कि ये इसका फॉर्म है और आप ये देखिए पूरा एड्रेस है और इसका फॉर्म का जो डिटेल है यहाँ पे आपको जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका नाम ध्यान रखना, आपको एक ही ट्रेड से अप्लाई करना है और बाकी नोटिस में आपको डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। अप्लाई फॉर पोस्ट, आपके ट्रेड का नाम क्या है, आपका नाम कैपिटल लेटर में, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी, कैटेगरी क्या है आपका, आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और कॉर्पोरेट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, क्वालिफिकेशन में आप 10th, 12th, NSC, डिप्लोमा, बीटेक, CTI, जो भी चीजें हैं पूरा यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस एंटर करना है। यहाँ पे आपको नाम डाल के, नीचे डेट डाल के और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो भी डिटेल्स है, जो भी डिटेल्स है उसका कैसे क्या क्या प्रावधान है और कौन सी ट्रेड में क्या फॉर्म क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एज का इसमें जो लिमिटेड है वो 60 साल है, बाकी 18 साल से ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो 40 साल तक। और इसका जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें ट्रेड देख लीजिए, आप इस नोटिस को जब आपको मिलेगी तो आप ट्रेड देख सकते हो कि कौन सा कॉलेज, यहाँ पे कॉलेज नेम दिया हुआ है, यहाँ पे कहाँ का है, पूसा का है या आपका जो क्लस्टर है उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है पूरा और कौन कौन सी ट्रेड की कितनी कितनी सीट है। जैसे टोटल इस पेज में चार 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 जो भी सीट है जिस क्लस्टर में, जो भी आईटीआई में, वह डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह काफी लंबा प्रोसीजर है। नेक्स्ट देखेंगे इसका इंटरव्यू कैसे होगा। अब इसकी क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो लगभग सभी में सेम ही है, जो भी चीजें हैं जो ट्रेड से संबंधित है वही है। 10th होना चाहिए, साइंस के साथ आपका पास होना चाहिए यानी 10th में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए प्लस, अगर आपने 12th किया है तो बहुत अच्छी बात है स्कूल का। नेक्स्ट जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है, डिग्री डिप्लोमा वाले के लिए बीटेक 4 साल का या फिर जो भी आपका डिप्लोमा है वो 3 साल का होना चाहिए। और अगर आईटीआई की बात करें तो कोपा ट्रेड में तो आपकी उस ट्रेड से मतलब इसमें कोपा है तो कोपा से आपका आईटीआई होना चाहिए प्लस सीटीआई होना चाहिए। सीटीआई अगर नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो लेकिन इसके लिए जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो आपका डिफरेंट रहेगा। जैसे फिटर की बात करें तो फिटर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या तो आपका डिप्लोमा या बीटेक होना चाहिए और या फिर आपका फिटर से आईटीआई होना चाहिए, आप कर सकते हो प्लस 3 साल का अनुभव, पुराना वाला रूल जो सभी में लागू होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसकी जो मेरिट है, शॉर्टलिस्ट मेरिट है वो कैसे बनेगी, उसमें आपका क्या क्या डिटेल्स रहेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका मेरिट का जो प्रोसेस है उसमें कैसे कैसे कैलकुलेट करके आपकी जो मेरिट सिस्टम है वो बनाया जाएगा। इसमें जो आपका इंटरव्यू का मेरिट बनेगा
कुछ इस तरह से बनेगा। पहला इसमें जो इंटरव्यू का मेरिट बनेगा उसमें आप देखिए तो 10th का जो आपका मार्क्स है वो सभी के लिए, चाहे बीटेक हो, डिप्लोमा हो या डिग्री हो, 10 मार्क्स रहेगा। दूसरा जो आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन है आईटीआई, बीटेक, एनएसी, तो अगर एनएसी की बात करें, आईटीआई की बात करें तो आपका 40 मार्क्स का रहेगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन विथ क्वालिफिकेशन मतलब अगर इसकी बात करें तो आपका 10 मार्क्स का रहेगा, डिप्लोमा आपका 42 मार्क्स का रहेगा। और इसमें जो इसके साथ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 8 मार्क्स आपको मिलेंगे। बीटेक के लिए 45 मार्क्स का रहेगा और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने 1 ईयर का कंप्लीट किया हुआ एक्सपीरियंस तो 5 मार्क्स मिलेगा। सीआईटीएस अगर आपके लिए है सभी का तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। अगर आपके पास एडिशनल एक्सपीरियंस है पर ईयर का 5 साल तो आपको 15 मार्क्स मिलेगा, इंटरव्यू का 15 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो भी 10th के मार्क्स हैं तो उनको 65 मार्क्स मिल रहा है, तो इसको इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आपके 10th में 65% मार्क्स हैं तो आपका जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से होगा। और जो एक्सपीरियंस के मैक्सिमम 1.5 मार्क्स दिए जाएंगे वो आपके 10 साल तक के, अगर 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो ही आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, यानी 1 साल का है तो 1.5 मार्क्स, जो मांगा गया है 3 साल उससे एडिशनल है ये चीजें। सो आप इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसका फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे उपलब्ध है। आप वहाँ पे उसे ज्वाइन करके वहाँ से लेके और इसको भर के भेज सकते हैं। थैंक यू।